हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हाजिर हूँ फिर अपने एक नए वीडियो के साथ, अपनी एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो जैसे कि अपने 3-4 वीडियोस में डाल चुकी हूँ, उसके बाद के मेरे 5वां वीडियो है जिसमें भी इसके रिसेंटली पहले वीडियो डाला, जिसमें सोशोलॉजी का पूरा इमर्जेंस, इंट्रोडक्शन, इमर्जेंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर सब बताए थे। अगर आपको देखना है तो जाके आप मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और अभी मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ हिंदी लैंग्वेज, जो हमारे कॉलेज में चलता है हिंदी लैंग्वेज बीएचयू में, एज अ लैंग्वेज पेपर के नाम से। तो एज अ लैंग्वेज पेपर के नाम से ये फर्स्ट ईयर में हिंदी है, वही सेकंड ईयर में हमारा लैंग्वेज पेपर इंग्लिश हो जाता है। लेकिन क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हैं फ्रेंड्स, तो आपको हिंदी लैंग्वेज पढ़ना होगा। तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि दी आप हिंदी लैंग्वेज की बुक हो उसका प्लीज़ PDF दे दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं वो बुक आपको दिखाती हूँ। उस बुक का PDF देखिए, ऑनलाइन कहीं नहीं है, कहीं नहीं। मुझे इस बुक का PDF एक एक पेज मुझे क्लिक करना पड़ेगा। यही बुक है वो जिसका आप मुझसे PDF कोई मांग रहा था कमेंट करके कि दी मुझे PDF चाहिए। और मैं आपको इसके पेजेस दिखाऊँ कि ऐसा है। ये तो मेरी ही बुक है फर्स्ट ईयर की। तो देखिए, जैसे इसमें गाइस कितनी स्टोरीज है देख सकते हैं, 15 स्टोरीज है। बट फ्रेंड्स, इसमें पूरी स्टोरीज नहीं आती हमारे सिलेबस में, कुछ हमारे सिलेबस में है। जैसे कि हम कुछ चैप्टर्स के नाम को नाम बताते हैं। ईदगाह प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई, मधुआ जयशंकर प्रसाद के द्वारा, अपना अपना भाग जैनेन्द्र द्वारा, फूलों का कुत्ता यशपाल द्वारा, पंचलाई फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा, द्याजी शेखर जोशी द्वारा, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर हरिशंकर प्रसाई द्वारा और डिप्टी कलेक्ट्री अमरकांत द्वारा। ये जितनी स्टोरीज के नाम और के राइटर बताएं, इतनी ही स्टोरीज हमें पढ़नी है इस अपने फर्स्ट ईयर की हिंदी लैंग्वेज के सब्जेक्ट में। और यही पतली सी बुक है, इसका पेज मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बताते हैं 124 पेजेस है इस पतली सी बुक में। तो अगर आपको PDF चाहिए, इस बुक का PDF आपको चाहिए, तो मैं दे दूंगी। अभी रिसेंटली आपको जो चाहिए वो हमसे पर्टिकुलर चैप्टर मांग लीजिए, मैं दे दूंगी। फिर बाद में आपको पूरे बुक का PDF बना के दे देती हूँ मैं, आप जैसा कहें। अगर आपको तुरंत इस बुक का पूरा PDF चाहिए तो मैं तुरंत दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। बट इतनी पतली बुक है, लंका भी अगर आप बनारस में जो है वो लंका से आराम से 50 रुपीज़ में परचेस कर सकता है। बट अगर फिर भी आप अगर बाहर रह रहे हो बनारस से नहीं परचेस कर पा रहे हो, तो आप हमें कमेंट करना, मैं आपको पूरी बुक की PDF बना के दे दूँगी। 124 पेजेस की बुक है, कुछ स्टोरीज है। अगर आप PDF से, क्योंकि PDF से पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, तो अगर आप PDF से नहीं पढ़ना चाहोगे तो मैं एक स्टोरीज आपको लाइन वाइज टेल कर दूँगी आप वीडियोज़ में, ठीक है गाइस। तो यही बुक थी, यही हिंदी लैंग्वेज में आपकी स्टोरीज हैं। इन्हीं स्टोरीज पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो भी इस स्टोरी के अंदर, जैसे कि आप स्कूल में थे और हिंदी के पेपर आते थे उस तरह से। बट हाँ, कुछ ग्रामर पोर्शन भी आता है, जैसे कार्यवाची है, विलोम है, उपसर्ग प्रत्यय। और इसके क्वेश्चन पूछने का थोड़ा तरीका अलग होता है। वो जब अगर आपके पेपर होंगे तो मैं आपके हेल्प लिए वो वीडियो आपको तैयार कर दूंगी कि आपको पेपर कैसे हिंदी का सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे आपको आंसर करना है। फिलहाल तो मैं बस इसीलिए वीडियो बनाई ताकि आपको हिंदी की बुक का वो दिखा सकूं कि कैसा है ये 124 पेजेस की पतली सी बुक है, जिसमें से कुछ ही स्टोरीज हैं जो आपके सिलेबस में, मतलब अगर 25 स्टोरीज है तो उसकी आधी स्टोरीज ही आपको पढ़नी है आराम से। आप अगर एक हफ्ते या 4 दिन भी बैठ जाएंगे तो पूरी बुक खत्म कर देंगे, ठीक। तो इसके टेंशन ना लें। अगर आपको PDF सच में चाहिए पूरा इस पतली बुक का देखने के बाद भी चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। अपने नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है गाइस। तो इतना ही था हिंदी लैंग्वेज के बारे में। और अगर आपको और भी कुछ क्योरी हो और को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करें और अपना सपोर्ट मुझे देते रहें, ताकि आगे भी मैं आपकी हेल्प के लिए वीडियोज बनाती हूँ। तो गाइस, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।